पेपर वन को पढ़ते हुए और उसके एमसीक्यूज को समझते हुए तीन बातों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। वो तीन बातें हैं, एक तो टाइटल आपको समझ में आना चाहिए टॉपिक का, एक उस टॉपिक को किस ढंग से ढाला गया है, बनाया गया है, दूसरी ये बात, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है पेपर वन का, कि आप क्वेश्चंस को कैसे समझने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें दी गई है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे एसेस यू आर लर्निंग, ये चैप्टर का नाम है हमारा, कि हमारे लर्निंग को हम क्या करेंगे, एसेस करने वाले हैं। और इस एसेस यू आर लर्निंग करते हैं, इसकी कंसेप्ट को देखेंगे, इसके नेचर को देखेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, और इन पर ही आधारित एक दो तीन और चार चीजों पर ही आधारित आपके सवाल होंगे, आपसे पूछे गए सवाल होंगे। तो बहुत जरूरी हो जाता है पेपर वन को टैकल करते हुए कि आप इन चीजों को, इन बारीकियों को सही तरीके से समझे। हम बहुत ज्यादा सवाल के जवाब ढूंढने में ना जाते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी एक लॉजिक को समझने की कोशिश करें, और वो लॉजिक को अगर हम समझ पाते हैं, इफ वी कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ पेपर वन, बड़ी आसानी से आप पास हो जाओगे। जैसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, और दैट क्वेश्चन इज दिस, द टर्म हर्मेनोटिक्स इज ड्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द फोर थिंग्स। ये जो टर्म है हर्मेनोटिक्स, नो, ये कहां से आई है? अब बहुत जरूरी हो जाता है कि हर्मेनोटिक सिस्टम को जब हम देख रहे हैं, नो, व्हेन वी गो फॉर द टर्म हर्मेनोटिक्स, तो हमें पता होना चाहिए इसका मतलब। इसका मतलब अगर हमें नहीं पता है तो हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब यहां पर दिया गया है, द मीनिंग ऑफ दिस इज, द मीनिंग ऑफ हर्मेनोटिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विथ इंटरप्रिटेशन स्पेशली ऑफ द बाइबल और लिटररी टेक्स्ट। मीन्स ज्ञान की ऐसी शाखा जो डील करती है इंटरप्रिटेशन को, जो स्पष्ट करती है, कौन सी बातों को स्पष्ट करती है, एक तो बाइबल की बातों को स्पष्ट करती है या फिर लिटररी टेक्स्ट को स्पष्ट करती है, इंटरप्रिट करती है। इट्स अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इंटरप्रिट्स द थिंग्स ऑफ बाइबल और लिटररी टेक्स्ट एज सच। तो ये जो है द टर्म हर्मेनोटिक्स इज ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से ड्रॉ की गई है? सोशियोलॉजी से ड्रॉ की गई है, एंथ्रोपोलॉजी से ड्रॉ की गई है, थियोलॉजी से ड्रॉ की गई है कि इकोनॉमिक्स से ड्रॉ की गई है? मैंने अभी अभी इसका मतलब आपको बताया। क्या मतलब बताया? द मीनिंग ऑफ हर्मेनोटिक्स इज दिस दैट, मैं फिर एक बार आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देख सकते हो, द मीनिंग ऑफ हर्मेनोटिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन को के साथ डील करती है, स्पेशली ऑफ द बाइबल और लिटररी टेक्स्ट, बाइबल या लिटररी टेक्स्ट के। अब मुझे आपको ये समझाना है वेरी इंपॉर्टेंटली कि ये चार जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स एंड थियोलॉजी, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि बाइबल से इन चारों में से किसका मीन्स व्हाट्स ए कनेक्शन है। सोशियोलॉजी का कनेक्शन हमने, ये समाज शास्त्र की बात है, समाज से जुड़े हुए शास्त्र की बात है। एंथ्रोपोलॉजी ये मनुष्य के जीवन में जो बहुत सालों, हजारों सालों पहले, मानव वंश शास्त्र की बात है। इकोनॉमिक्स पैसों से जुड़ी हुई बात है। अब बच गया थियोलॉजी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थियोलॉजी, चलो देखते हैं फिर एक बार आपके लिए। थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ्स। देखिए, व्हाट इज थियोलॉजी, थियोलॉजी इज द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। तो ने गॉड और रिलीजियस बिलीफ हमें कहाँ मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं बाइबल में। हर्मेनोटिक्स का मतलब हमने कहाँ पर देखा? हर्मेनोटिक्स हमने देखा बाइबल में, और थियोलॉजी का भी संबंध है बाइबल से। इसका मतलब हमारा जवाब क्या होना चाहिए? आवर आंसर विल बी दैट इज थियोलॉजी सी, ये आंसर रहेगा हमारा। तो इस आंसर को ड्रॉ करते हुए आपको मेहनत करनी है। जब आप पढ़ रहे हो, किसी एमसीक्यू को भी सॉल्व कर रहे हो, तब भी आपको ये बात पता होनी चाहिए
कि जिस जवाब को मैंने चुना है या फिर मैंने देखा है उस जवाब को मैं कैसे कनेक्ट करूं। यह आदत हमारे दिमाग को स्पेशली टू आवर ब्रेन लगनी चाहिए। अगर यह आदत आपको नहीं है तो पेपर वन विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इतने सारे टॉपिक्स के साथ आप सही से डील नहीं कर पाओगे। सो आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द टर्म हर्मेनोटिक्स इज ड्रॉन फ्रॉम थियोलॉजी। हर्मेनोटिक्स से टर्म कहां से आई है? थियोलॉजी से ड्रॉ की गई है। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। दूसरा हम देखेंगे, वी शैल सी थिंग्स। नो, मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। दिस इज राइट। नो, थिंग्स एज दे आर एंड एज दे आर लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड इन लाइफ रादर देन वर्ड्स। अब इसका मतलब क्या है? थिंग्स एज दे आर, चीजें जैसी वो है, एंड एज दे आर लाइकली टू बी, और जैसी होनी चाहिए, एनकाउंटर्ड इन लाइफ, जिंदगी में जिसका हम सामना करते हैं, रादर देन वर्ड्स, सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं, ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे? वॉज द स्लोगन ऑफ वॉट, यू नो, जैसी बात है वैसे दिखना, या वैसी वो होनी चाहिए, इससे जुड़ी हुई बातें करना। ये बातें चार चीजें दी गई है, नो, देयर आर फोर थिंग्स गिवन। वन इज प्रैग्मेटिस्ट, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट एंड एग्जिस्टेंशियलिस्ट। तो इसमें जवाब क्या आना चाहिए? रियलिटी होती है, जैसा है वैसा मानना या वैसा होना। तो यहां पर दिया है क्या है सवाल में? सवाल में क्या है? थिंग्स एज दे आर, चीजें जैसी है वैसी। तो जैसी है वैसी कहां पर देखने मिलती है हमको? रियलिटी में देखने मिलती है, आइडियलिज्म में नहीं मिलती है देखने। दैट इज द मैटर ऑफ रियलिटी। तो आपको सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। सो यू मस्ट लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, दैट थिंग्स एज दे आर एंड दे आर लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड इन लाइफ, यू नो, लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड इन लाइफ जब हम कह रहे हैं, rather than words was the slogan of where we are realist, realist लोगों का यह slogan है कि चीजें जैसी है वैसी है या फिर वैसी वो होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा सवाल को इतने ध्यान से इतने ताकत से देखिए कि आपका जवाब आपको उन्हीं चार options में सही वाला जवाब मिल जाए। Next हम लेकर चलते हैं and existentialist, इसको कट कर, एंड एग्जिस्टेंशियलिस्टिक टीचर शुड एम्फसाइज ऑन, जो एग्जिस्टेंशियलिस्टिक टीचर है उसने क्या करना चाहिए? तो इसके लिए क्या जरूरी है? आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये पता होना चाहिए ना, एग्जिस्टेंशियलिस्ट। तो जब हम एग्जिस्टेंशियलिस्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो वी गेट हियर, इट इज कॉल्ड अस्तित्ववादी। अस्तित्व जो एग्जिस्टेंस को सोचता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। ये क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी दैट एक्सप्लोर्स द इश्यू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसान के अस्तित्व को ढूंढने की कोशिश जो तत्व ज्ञान करता है उसे हम एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसॉफर्स एक्सप्लोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द मीनिंग पर्पज एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब ह्यूमन एग्जिस्टेंस हमें कहाँ देखने मिलता है? फ्रीडम में ह्यूमन एग्जिस्टेंस होता है, राइट? जिम्मेदारी में फ्रीडम ह्यूमन एग्जिस्टेंस होता है, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस होता है कोऑपरेटिव, सॉरी सब्जेक्टिव फीलिंग में। तो ए बी एंड सी मस्ट बी द आंसर्स, और कोऑपरेटिव ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक फीलिंग, नो, इंडिविजुअलिज्म पर जाती है वो। तो इसीलिए ए बी एंड सी ये जवाब रहेगा हमारा, ए बी एंड सी आर करेक्ट आंसर। तो सी जवाब क्यों होना चाहिए? मिस आप अपने आप से ये पूछो कि सी ये जवाब क्यों होना चाहिए। सी जवाब इसलिए होना चाहिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म में फ्रीडम है, एग्जिस्टेंशियलिज्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एग्जिस्टेंशियलिज्म में सब्जेक्टिव फीलिंग है। सब्जेक्टिव बोले तो व्यक्तिगत फीलिंग्स है मेरी, माइंड फीलिंग्स, द सब्जेक्ट्स फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट, राइट? नॉट
द कोऑपरेटिव लिविंग एज सच. ओके, नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं, लेट अस गो विद दिस बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी व्हेन फॉलोड बाय रिवॉर्ड इज नोन एज. तो यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर हम देख रहे हैं बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी व्हेन फॉलोड बाय रिवॉर्ड इज. अब यहां पर क्या है, एक बिहेवियर पैटर्न है हमारा, करेक्ट, ये चीज है, और ये फॉलोड बाय व्हाट, रिवॉर्ड है. इज नोन एज, इसको कौन सी कंडीशनिंग कहते हैं, ये साइकोलॉजिकल तरीके का क्वेश्चन है, मिस लर्निंग साइकोलॉजी में आने वाली ये बात है. क्लासिकल कंडीशनिंग हमें पता है, शेपिंग भी हमें पता है, जनरलाइजेशन भी पता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी हमें पता है. बट इसका जवाब जब हम देखते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्यों होना चाहिए, बिकॉज इन ऑपरेंट कंडीशनिंग जब अच्छी बात के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है और खराब बात के लिए, गलती के लिए आपको सजा दी जाती है, दैट इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग. नो, हम देखते हैं कैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग को देखने की कोशिश करेंगे. ऑपरेंट कंडीशनिंग, और यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इट इज लर्निंग प्रोसेस वेयर वॉलंटरी बिहेवियर्स आर मॉडिफाइड बाय एसोसिएशन विद द एडिशन ऑफ रिवॉर्ड और अवर्सरी स्टिमुली. द फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ द बिहेवियर मे इंक्रीज थ्रू रेनफोर्समेंट और डिक्रीज थ्रू पनिशमेंट. अगर अच्छा काम करते हो तो आपको रेनफोर्समेंट के जरिए रिवॉर्ड मिलता है, और अगर आप गलत काम करते हो तो आपको पनिशमेंट के तौर पर कुछ सजा दी जाती है. सो मैटर ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर द मैटर्स ऑफ व्हाट्स ए ऑपरेंट कंडीशनिंग. ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में के मैटर है, इसलिए हम इसे इसका जवाब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग ऐसा देंगे. सो द आंसर विल बी डी, बिकॉज इन ऑपरेंट कंडीशनिंग देर इज देर आर द थिंग्स लाइक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ऐसे जो हमारे सवाल में भी हमको देखने मिल रहा है. हम अभी और कुछ सवाल देखेंगे, वेरी फ्यू क्वेश्चंस वी शैल सी. हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स प्रोपोगेटेड, ऐसा ये फॉलोइंग थिंकर्स जो थे इसमें से किसने प्रोपोगेट किया, जस्ट मिनट, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ एजुकेशन एज द मोस्ट टैलेंटेड. तो इसका जवाब हमने देखा है प्लेटो. ये तो मीन्स बेसिकली आपको पता होना चाहिए, थोड़ा आप रीडिंग करते हो, जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो, जो भी किताब आप पेपर वन के लिए जा रहे हो, उसमें कुछ फिलोसोफर्स दिए हैं, उनकी कुछ जनरल फिलोसफी रिगार्डिंग एजुकेशन दी है, उसको आपको देखना जरूरी हो जाता है. द क्वेश्चन नंबर 9 इज अ टीचर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ अ कोर्स कॉन्टेंट. विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी विल मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हिज और हर प्रेडिकमेंट. तो कोर्स कॉन्टेंट के साथ अगर उसको जाना है किसी टीचर को, ओके, which branch of philosophy will most appropriately describe his predicament. So metaphysics, metaphysics is beyond physics kehte hai isko, no, it is beyond physics. Logic is, jise tark shastra hum kehte hain, you know. Then we go for axiology, the study of and of the nature of value and valuation. Value and valuation ka jo study karta hai and the kinds of things That are valuable. जो चीजें बहुत valuable हैं, उनका जहां पर study होता है, उसे axiology कहते हैं. And then we shall go for this, no, epistemology. This is what we shall see. Epistemology, the theory of knowledge, especially with regards to its method, validity and scope, and the distinction between justified belief and opinion. तो इस theory of knowledge, no, ये क्या है? Knowledge की theory है, जहां पर एक टीचर को जब कोई समस्या आ रही है, इफ अ टीचर इज सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम, सो वी शैल गो हियर विद इज फेस विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग. व्हाट इज द प्रॉब्लम? द टीचर इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग. चूजिंग व्हाट? द अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ अ कोर्स कॉन्टेंट. कोर्स कॉन्टेंट्स के साथ उनको जो व्यवहार करना है, जो समझाना है, जो बताना है, इसके लिए कौन सी मेथड इनको काम में आएगी. जब ये बात हम देख रहे हैं
सो वी शैल सी विद दिस आइडिया ऑफ इपिस्टेमोलॉजी एज सच। और आज का जो हमारा आखिरी सवाल है ये आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज द राइट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा राइट स्टेटमेंट है। तो पांच स्टेटमेंट्स हमारे सामने दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, अ टीचर शुड हैव द एम्पल सब्जेक्ट नॉलेज एज पर द स्टैंडर्ड बींग टॉट, जिस क्लासरूम को सिखा रहे हैं उनका सब्जेक्ट नॉलेज सही होना चाहिए। दूसरा, टीचर्स आर ऑलवेज बॉर्न इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा कि टीचर एक पर्टिकुलर सोसाइटी में ही पैदा होने वाला हो, ऐसा नहीं हम कह सकते नो। थर्ड वन, ये पहले था, इट वॉज लॉन्ग बैक, जब एजुकेशन वॉज द हिजमनी या प्रिविलेज था, तब की बात है, अब ऐसा नहीं होता है। द ड्यूटी ऑफ अ टीचर इन द क्लास शुड बी टू टीच हिज और हर सब्जेक्ट इन अ आर्टिस्टिक मैनर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचर इज टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन टॉट इन द क्लासरूम। द प्राइम ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज टू ऑलवेज सीक गाइडेंस फ्रॉम द अथॉरिटीज व्हाइल टीचिंग इन द क्लास। तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है 1, 3 और 4, यू नो, या फिर बार बार अथॉरिटीज की तरफ जाकर मैं कैसे पढ़ाऊँ, तो ये दो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रहे हैं। तो इसीलिए जब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर सेकंड कैंसिल होता है तो ये दोनों ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रहे हैं क्योंकि इसमें सेकंड आ रहा है। लेकिन अगर आपको 5 के बारे में डाउट है, तो 5 को लेकर डाउट है, तो उस डाउट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। 1, 3 एंड 5, 1, 3 और 5 अगर हम लेते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचर इज टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां पर 4 है हमको वो लेना चाहिए, तो कहां पर 4 है, यहाँ पर 4 है, और जहां पर 2 है उसको तो हमें बिल्कुल नहीं बोल देना चाहिए, इन दोनों में 2 है। तो 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट और 2 इज द लिस्ट इंपॉर्टेंट। तो 2 वाले दोनों कट हो जाते हैं, और जब 2 बच जाते हैं तो इसमें 4 जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हमने 4 वाले को सिलेक्ट कर लिया है, दैट्स ऑल। इस तरीके से अगर आप देखते हो सवालों की तरफ, समझते हो उसको, जवाब को देख लेते हो आप कहीं पर भी, उसके बाद भी अगर आप समझने की कोशिश करते हो, तो आपका लॉजिक सही तरीके से डेवलप हो सकता है और बड़ी आसानी से आप पेपर 1 में अच्छे स्कोर्स ला सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर इसे लाइक करना, इसको कमेंट कर देना इस पर, नो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयरिंग इज अ गुड थिंग एक्चुअली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज यू विल गेट एट द अर्लीस्ट एज सच। थैंक यू।